अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ फातिमा सैफ। आपको खुश आमदीद कहती हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि सिटी 42 ने आपके लिए खसूसी तौर पर तरतीब दी है। मेरे प्रोग्राम का नाम है रमज़ान मेहरबान और हमेशा की तरह हमारी रिवायत है कि हम इस प्रोग्राम में कामयाब शख्सियात को मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और कामयाब लोग वही होते हैं जो इस तेज़ी से गुजरते हुए वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आज भी मेरे स्टूडियोज़ में बहुत अच्छी शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाती चलूँ, कमिश्नर लाहौर मौजूद है मेरे साथ, जवाद रफीक मलिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और उसके साथ एक बहुत ही हंसता मुस्कुराता चेहरा, बहुत ही क्यूट सा चेहरा, आप सबकी दिलनशीं और बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ एंकर इकरा शहजाद। इकरा, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। इट्स एन ऑनर कि आप लोग आते हैं, और ख़ासकर रोज़ा एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका दिल चाहता है कि आप घर पे हों या ऑफिस से दूर हों, अपनी फैमिली के साथ टाइम दें। तो सिटी 42 की खुश नसीबी है कि आप लोग हमारे साथ अफ्तारी भी करते हैं और बातें भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। सबसे पहले कमिश्नर साहब, आपसे मैं सवालों का आगाज़ करूँगी। आप ये बताइए, इससे पहले आप लाहौर से पहले सरगोधा में तायुनात थे, सरगोधा और लाहौर में जब आप लाहौर में आए तो क्या डिफरेंस महसूस होता है? वहाँ पर भी आपने रमज़ान गुजारा होगा, तो व्हाट्स द बेसिक मेजर डिफरेंस? सरगोधा, एक सबसे पहले तो शुक्रिया आपका सिटी 42 का कि इस प्रोग्राम में आपने बुलाया। और रमज़ान में हकीकत है कि कम वक्त निकलता है, एनर्जी लेवल्स भी कम होते हैं, तो लेकिन सिटी 42 के साथ क्योंकि लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन का ख़ास ताल्लुक है, इस वजह से आई थॉट के आई मस्ट अटेंड दिस प्रोग्राम। थैंक यू। तो सरगोधा लाहौर का आप ज़मीन आसमान का फ़र्क समझ सकती हैं। अच्छा। सरगोधा एक सेमी अर्बन रवायती किस्म का जो है ना वो डिवीज़न है, और वहाँ के लोगों में वज़ादारी रवायत बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन कम है, मसाइल कम है, तो वहाँ पे रमज़ान में तो ख़ास तौर पे जो आप समझे कि दोपहर के बाद कोई दरख्वास्त वाला भी कम ही आता था, मसले मसाइल भी कम। लाहौर जो है, लाहौर इज़ एन अनएंडिंग सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे इवन रमज़ान में भी हम सुबह इनवेरिएबली 9 बजे शुरू होते हैं और अफ्तारी तक जो है वो चलते रहते हैं, काम चलता है। आजकल तो आप बहुत मसरूफ हैं, कभी आपको पानी पे देखते हैं, पानी के दरमियान देखते हैं, कभी सड़कों पर देखते हैं, कभी आपकी अफ्तारी भी सड़कों पर होती होगी। जी, यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा कि प्रॉब्लम्स कल सारा दिन जो है हमारा सड़कों पे गुजरा है, बारिश को उसको करते हुए, हैंडल करते हुए जी। लेकिन उसमें अब मजबूरी है कि जब लोगों के घरों में या सड़कों पे पानी है तो एडमिनिस्ट्रेशन आराम से बैठना वो भी एक अनएथिकल सा है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का आ जाता है। फिर काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो कि गवर्नमेंट के प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पे भी 14 अगस्त की डेडलाइन से काफी बहुत ही डेडलाइंस को आपको मैनेज करना पड़ता है। लाहौर इज़ नेवर एंडिंग सिटी। अच्छा जी, सेकंड जो हमारी गेस्ट हैं मुस्कुरा रही हैं, बहुत क्यूट सी हैं, इकरा मेरे साथ मौजूद हैं। इकरा का मैं आपको तारुफ ये भी करवाती चलूँ कि सिटी 42 की पहली न्यूज एंकर भी हैं और आज एज ए गेस्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल है। इकरा, आपको अपना पहला रोजा याद है? पहला रोजा बचपन का नहीं, मुझे नहीं याद। बहुत पुराना हो गया क्या? बहुत पुराना हो गया। अच्छा, आपको नहीं याद। अच्छा ये बताइए, आप आज एज ए गेस्ट हैं सिटी 42 में और आपने स्टार्ट अपना करियर यहीं से किया, तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले आप इधर बैठी होती थी, आज आप गेस्ट की चेयर पे बैठी हैं। बहुत चेंज है, मतलब अभी जब मैं अंदर आई हूँ तो मतलब एकदम वो तमाम मेमोरीज आपकी हॉन्ट बैक हुई हैं और आपको याद आता है अरे मैंने यहाँ से स्टार्ट किए। मतलब मैंने इनको इसको उस दिनों से देखे जब मतलब ये स्टार्ट था अपने करियर का, सिटी भी स्टार्ट ले रहा था, सब लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयार हो रहे थे कि चैनल लॉन्च हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको सब चीज़ें याद आती हैं, तो सिटी 42 इज ऑलवेज रिमेन इन गुड मेमोरी। अच्छा, अच्छा, तो उस वाली इकरा शहजाद और अब वाली इकरा शहजाद में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क। पहले मैं शहर की बातें बताती थी, अब जरा हम नेशनल वाइज इशू डील करते हैं। लेकिन ये है कि एक चीज़ तो मैं क्रेडिट हमेशा से इसको दूंगी कि मेरी बेसिक स्टार्ट और मुझे ट्रेनिंग देना और सिखाना, ये हमेशा से सिटी 42 का मतलब मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँगी। और अब चूंकि मैं वो सीख चुकी हूँ चीज़ें, तो अब एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नए चैलेंजेस हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो आपके लिए सिटी 42 बेसिकली लर्निंग इंस्टीट्यूशन की लर्निंग इंस्टीट्यूशन भी रहा है, और हमेशा से आपकी जो लर्निंग इंस्टीट्यूशन, जो आपकी पाइनियर्स इंस्टीट्यूशन होती है ना, वो हमेशा से आपके लिए एक जगह कैरी करती हैं। एग्जैक्टली इकरा, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और जवाद साहब आपसे भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। बिन वदाक बिन मोहब्बत